नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आप सभी का विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मंगल ग्रह को देवताओं का सेनापति माना जाता है। ये निडरता, साहस, पराक्रम, युद्ध, रक्त आदि के कारक हैं। अभी तक जो मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अब आज 9 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार से सायंकाल सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, मंगल सेनापति हैं, अब तक अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे थे और आज ही से इनका गोचर सिंह राशि में शुरू हो चुका है। सिंह इनकी मित्र राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, अतः यहाँ स्वाभाविक रूप से मंगल को शक्ति प्राप्त हुई है। यहाँ अग्नि तत्व राशि में मंगल थोड़ी क्रूरता भी बढ़ाएंगे और इस उग्रता का, क्रूरता का प्रभाव न सिर्फ घरों में बल्कि समाज और देश में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब मंगल ऊर्जावान हैं, शक्ति से भरपूर हैं। हालांकि मंगल के कारकत्व में मजबूती भी आएगी, जिसके कारण भूमि से जुड़े मामलों में फायदा होगा। पूर्व के और दक्षिण के क्षेत्रों में निकट भविष्य में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करीब करीब 40 दिनों के लिए उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा जिनकी जन्म पत्रिका में मंगल अकारक होकर बैठे हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानियां। मित्रों, अब बात करते हैं मंगल का ये सिंह राशि में गोचर किस किस लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा और क्या फल करेगा। तो शुरू करते हैं मेष लग्न से। मेष लग्न वालों के लिए यह मंगल बहुत अच्छा फल करेगा, कामयाबी देगा, रुके हुए कार्य बनेंगे। हाँ, पेट से संबंधित रोगों के में ध्यान देने की ज़रूरत है। भूमि, भवन, वाहन में लाभ की स्थिति है। क्रोध व जल्दबाजी पर नियंत्रण रखिएगा, हनुमान जी की आराधना से लाभ की स्थिति बनेगी। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न वालों के लिए भी ये मंगल अच्छा फल देगा, घर, मकान, भूमि, प्रॉपर्टी आदि में लाभ देगा। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत घर कुटुंब के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर आ सकती है। जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रखें। यदि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ें तो लाल मसूर की 1.25 किलो दाल दान कर दें। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न वालों को भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, धन आदि में लाभ की स्थिति बनेगी। आपके अंदर साहस का संचार होगा, कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़े परिश्रम से। शत्रुओं से राहत मिलेगी, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। कर्क लग्न, कर्क लग्न वालों का स्वास्थ्य बेहतर होगा, वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अग्नि से सावधानी बनाए रखें, घर के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर रखें, नौकरी, कार्य क्षेत्र, व्यापार आदि में स्थिति मजबूत रहेगी। गाय को गुड़ खिलाएं। सिंह लग्न, सिंह लग्न वालों के लिए मंगल का ये गोचर सुखद रहेगा, ऊर्जावान रहेंगे और सभी कार्यों में सफल होंगे। बस क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी में लाभ के संकेत हैं। सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना शुरू करें। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों के लिए मंगल का ये गोचर कोई यात्रा करवा सकता है। हालांकि भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन यात्रा लाभदायक होगी। किसी की मदद से, सहयोग से आपके काम बनेंगे। बस प्रतिष्ठा को बचाए रखें, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ों से बचें। हनुमान जी को चोला अर्पित करें और बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। मित्रों, शेष राशियों का फल मैं अगले वीडियो में कल कहूँगा। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सियाराम, नमस्कार।